ये तो एक पेशेंस चेक हो रहा है आपका, जो लाइफ में किसी ना किसी बात को लेके चेक होता ही रहेगा। होता क्या है कि घर पे बात कर नहीं पाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, किसी के मार्क्स देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फिर पता चलता है पढ़ना है, टाइम निकल जाता है, फिर सोचते हैं सुबह से शाम हो गई आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने। ये बातें दिमाग में आती है ना, फिर आज सुबह से शाम हो गई मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा, शुरू के चार पन्ने लेके बैठे हुए हैं। यही तो होता है, यही तो होता है, जानते हैं ये। अरे यार इसका भी कुछ नहीं पढ़ा, फिर सोचते हैं चलो आज मैं सो जाता हूँ, कल उठ के फिर से पढ़ूंगा, फिर कल भी सेम कहानी रिपीट हो जाती है, फिर कल भी सेम कहानी रिपीट हो जाती है। फिर क्या होता है कि हमें पता चलता है कि 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, उस संडे से वो संडे हो गया है, अब उस संडे से उस संडे में पहुंच गए, अब घर पे बाता तो पा नहीं पा रहे, घर वाले भी तुम्हारी तरह उम्मीद से देख रहे, पढ़ ही रहा होगा, तुम सोच रहे हो आप पढ़ तो रहे लेकिन तुम्हें खुद से खुद को नहीं समझा पा रहे, खुद को नहीं समझा पा रहे हो कि यार मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तुम्हारे अंदर एक उलझन सी बैठ गई है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा, ये घुटन होने लग जाती है। और ये घुटन क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, घुटन क्या होती है, बढ़ती जाती है धीरे धीरे, और बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि हमें क्या कहते हैं, एक तरीके से हमें एक गाड़ी चलती है फर्स्ट गियर में स्लो चलती है, सेकंड में स्पीड आती है, सेकंड में हम न्यूट्रल में आ जाते हैं। अगर पुरानी कोई रेस है तब तो चलती रहेगी स्कूटी की तरह, ठीक है, और अगर नहीं है पुरानी रेस उसके अंदर तो फिर वो धीरे धीरे करके चलते 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 रुक जाती है गाड़ी, फिर एक बार रुक जाती तो फिर हम बिल्कुल दिखने को तो हंसते खेलते दिखेंगे लेकिन अंदर से बंधे हुए नजर आते हैं। अब ये इसका सोल्यूशन एक ही है कि हमें वापस से ये जो इनर्शिया है ना, जो बन गया है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जो बढ़ने नहीं दे रहा है, इसको रोको तोड़ो, इसको कैसे भी करके, ठीक है। और सबसे पहली बात तो क्या होता है कि आपके फैमिली में कोई ना कोई तो होगा जिससे आप ओपन हो जाते हो, ढूंढो उसको, बात करो उससे खुल के, फ्रेंड है फ्रेंड से करो, और फिर थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि आप एक दो दिन बाद फ्रेश हो जाएंगे तो एक दो दिन बाद से पढ़ाई करना शुरू कर दो, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो एक थोड़ा गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, तो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है कि फिर इस चक्कर में कई बार महीने भी निकल जाते हैं, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, और फिर इंसान क्या करता है किसी और डायरेक्शन चला जाता है, धीरे 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 डाइवर्जन आ जाता है, फिर एक मोड़ आ जाता है। सर सच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है फिर भी पढ़ने में मन नहीं लगता। हाँ वो तो पता है मुझे, ये क्लासेस होती हैं इसलिए आप क्लासेस में आके बैठ जाते हो, अगर ये भी नहीं हो ना तो आप इन क्वेश्चंस को भी नहीं करके इस 1.5 घंटे को भी खराब कर दो, ये भी सच है, अगर आप इस क्लासेस में ना हो तो आप इस 1.5 घंटे को भी किल कर दोगे, फिर सोचोगे लो अभी तो 8 से था, अभी 10 बज गए, अब क्या करूं मैं, ऐसा होता है। तो हो क्या गया है ना कि सर पे बांध दिए गाड़ी, अब बिना मतलब मौत के कुएं में नहीं होता, तो मोटरसाइकिल चलाता रहता है, कहीं नहीं पहुंचता, वहीं का वहीं बैठा रहता है, गए उसके अंदर बाइक वाले चलाने वाले को, हाई रिस्क पे बाइक चला रहा होता है वो बंदा और वो पूरे टाइम वहीं घूम घूम के वहीं बैठ जाता है पूरे के पूरे टाइम। तो इसका एक ही तरीका है, इसका जो सॉल्यूशन है वो सुन लो, जो बातें आपने बोली है उन सबका यही तरीका है। एक तो ना कोई दूसरा बंदा आके आपको निकालने नहीं आएगा, पहली बात तो ये है, ये जो आपकी लड़ाई चल रही है ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की लड़ाई नहीं चल रही है, ये आपके अंदर की लड़ाई आपसे चल रही है, जो आपको बस ये समझाना चाह रहा है कि तुझसे नहीं होगा, वो बस यही कर रहा है, ठीक है, तुझसे नहीं होगा, हार जा, थक जा, बैठ जा, ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। वो जबरदस्ती का आलस आएगा, आप सोचे खाना खा लेते हैं थोड़ी देर बाद, फिर खाना खाने के बाद चल थोड़ा और सो लेते हैं, किताब खोली किसी का, फिर हाथों तो हाथ टेलीग्राम ओपन कर लिया, क्या मैसेज आया, अच्छा फिर आधा घंटा बातें करने लगे, हाँ तेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, ठीक है, बातचीत होती रही चलती रही, अरे यार 5 बज गए, चलो यार चाय पी लेता हूँ, नीचे आए, फिर तो जो इफेक्टिव जो हमारी लर्निंग हो रही है ना वो हो ही नहीं रही है, ये होता रहता। फिर किसी का कोई मैसेज आया कुछ आया, तो सबसे पहला काम तो ये है इन भैया को अलविदा करके साइड में रख दो,
क्या मुझे 1 ही घंटे पे चलाना है, 2 घंटे ही चलाना है जब पकड़ा दो, और थोड़ा सा सीरियसली कुछ सोचो कि यार मुझे जो सर ये होमवर्क देते हैं मुझे तो यही करना है, हर सब्जेक्ट में छोटा छोटा गोल, छोटे छोटे गोल करा। जब आप एकदम से चलते चलते रुक जाते हो तो एकदम से दौड़ नहीं सकते हो, ध्यान रखना, पहले चलते हैं फिर थोड़ा 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 दौड़ते हैं। और ये मत सोचो कि आपके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, सिलेक्शन निकालना है, IIT बॉम्बे लेना है, 100 में रैंक लाना, नहीं, मुझे पढ़ना है, रिवाइज करना है, बस खत्म, दैट्स इट, इसको क्लियर रखो। बिकॉज नंबर्स पुट प्रेशर, नंबर्स रैंकिंग्स पुट्स मोर प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, दे ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन, वो बहुत गंदे से फ्रस्ट्रेशन लेकर आते हैं हमारे अंदर। इवन 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स पुट प्रेशर, वो नंबर्स परेशान करते हैं, और नंबर्स आपके ऊपर इतना दबाव डाल देते हैं, ये परेशान हो जाते हो फिर। तो मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता जो आप पढ़ रहे हो उसमें होने नहीं होने से, ठीक है, मोटी बात तो ये है, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप ऐसे कुड़ कुड़ के जी रहे हो कोई मतलब नहीं है, मस्त रहो, पहली बात तो ये है, पहली बात मस्त रहना है, आपका खुश रहना है, उसके बाद आपकी स्टडीज, आपके स्पोर्ट्स, आपका पैशन है। आप खुश नहीं हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मस्त रहो। ये मत सोचो मैं इस वाली रेस को भी लड़ लूंगा, खुद को भी कुछ कर लूंगा, इनके भी सपने पूरे कर दूंगा, इतनी सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखो। और कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव पर्सन, एक जोन में चले जाओ या नेगेटिव लोगों से बात कम करनी, अगर वो घर में ही है तो थोड़ा लिमिटेड कर दो, बाहर के हैं बिल्कुल हटा दो, उन्हीं लोगों के साथ रहो शुरुआत में जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, समझ में आई बात। आपके पास रिकॉर्डिंग लेक्चर से यार, किसी ना किसी लेक्चर में हो सकता है मैंने कुछ और अच्छा समझाया हो, किसी और टीचर ने बहुत अच्छा समझाया हो, सुन लो उसको, सिंपल।